नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज 10,000 रुपए के अंडर में जो मोबाइल फोन आपको खरीदना चाहिए, क्या देखकर खरीदना चाहिए, आज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको 7 ऐसी टिप्स दे रहा हूँ, ये अगर आपने अपने दिमाग में बिठा ली तो आप एक अच्छा फोन खरीद के लेके आओगे अपने लिए 10,000 रुपए तक का। चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ प्रोसेसर के बारे में। देखो प्रोसेसर की तो बात ऐसी है कि हर कंपनी आपको रिझाती है प्रोसेसर के नंबर दिखा के, तो आप नंबरों पे मत जाना। मैं आपको ना एक बेसिक सा फंडा बता देता हूं। 10,000 से नीचे के फोन में आपको ये दो तरह के प्रोसेसर मिलेंगे। देखो एक तो होता है स्नैपड्रैगन, क्वालकम स्नैपड्रैगन बोलते हैं उसको, ठीक है, उसका पूरा नाम क्वालकम स्नैपड्रैगन है। दूसरा नाम है मीडियाटेक। तो आपको जो मीडियाटेक का प्रोसेसर होगा ना, मीडियाटेक हीलियो G85 से नीचे मत लेना। 85 तो समझ गए ना आप, 85 उससे नीचे वर्जन के जो होंगे ना बस उनको इग्नोर कर देना आप, ठीक है। मीडियाटेक हीलियो G85 हो। अब कुछ बंदे कहेंगे यहाँ पे, भाई मीडियाटेक हीलियो G36 भी तो अच्छा है। भाई वो अच्छा तो है मगर वो पुराना बहुत हो गया है। अब नए फोन जो बन रहे होंगे ना उनमें जो हार्डवेयर है उनके हिसाब से वो फिट बैठेगा ही नहीं, क्योंकि फोन या तो लैग करेगा, हैंग करेगा। उसके बाद है ना कंपनी वाले कहेंगे या दुकान वाले कहेंगे, अरे यार 10,000 में और क्या लोगे? भाई 10,000 छोटी रकम नहीं होती, 10,000 बहुत बड़ी रकम होती है हम जैसों के लिए। हम तो हर चीज देख के लेंगे। मीडियाटेक हीलियो G85 से शुरू हो रखा हो प्रोसेसर, उससे नीचे मत लेना, ठीक है। इतने प्राइस में आपको आराम से मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। क्वालकम स्नैपड्रैगन ये 4 सीरीज से ऊपर ही लेना, उससे नीचे मत लेना, ठीक है। आपको 10,000 रुपए की रेंज में दोनों चीज मिल जाएंगे। अगर ये आप प्रोसेसर देख लेते हो किसी भी फोन में तो वो आपका 2-3 साल आराम से निकाल देगा। देखिए जो बंदा 10,000 रुपए तक का फोन खरीदता है ना, उसको नॉर्मल टास्क क्या करना होता है? उसको यूट्यूब देखना होता है, व्हाट्सएप चलाना होता है, या फिर उसको कोई ऑनलाइन शॉपिंग वाली ऐप डाउनलोड करनी होती है। इन चीजों के लिए ये वाले प्रोसेसर बेस्ट रहेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर बढ़ते हैं भाई बैटरी की तरफ। जो बंदा 10,000 रुपए तक का फोन खरीदेगा, बेसिक सी बात है यार, वो बंदा कुछ काम धंधा करने वाला होगा, जो फोन लगाकर फिल्म लगा के छोड़ देता है या फिर गाने लगा के फोन में छोड़ देता है, तो बार बार चार्ज क्षमता भी नहीं रहती उस बंदे की। तो भाई कोशिश करना 5,000 mAh की बैटरी लेना, उससे नीचे की बैटरी आप लेने मत किसी भी फोन में से। कितना अच्छा आपको समझाए दुकान वाला कि भाई ये 4,500 mAh की है, ये 4,000 mAh की है। ये जो 4,500 mAh की बैटरी है ना 30,000 रुपए के फोन में भी आ रही है, आपको आगे चल के बताऊंगा। ये नथिंग का फोन है ना, इसके अंदर 4,500 mAh की बैटरी है। अब आप कहोगे यार इसके हिसाब से तो ये वाला फोन खरीदने नहीं चाहिए, मगर नहीं, इसके अंदर जो सिस्टम दे रखा ना काफी जबरदस्त दे रखा है, एमोलेड वगैरह दे रखे। फिलहाल इन चक्रों में मत पड़ना, आपको आगे आने वाली वीडियो में ये बातें पता चल जाएंगी। इसलिए 5,000 mAh की बैटरी आपके फोन में कम से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो तो और बेटर है। 5,500 mAh या 6,000 mAh या 7,000 mAh, आजकल अंडर 10,000 मोबाइल फोन में आपको 5,000 की बैटरी इजीली मिल जाती है। तीसरे नंबर पे चलते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले के बारे में आपको एक चीज साफ साफ बता देता हूँ, HD+ डिस्प्ले ले लेना। IPS LCD मिलेगी 10,000 से नीचे तक, आपको AMOLED नहीं मिलेगी। AMOLED अगर आने वाले टाइम में कुछ आ जाए मेरी वीडियो उस वक्त आप अगर देख रहे हो तो AMOLED डिस्प्ले भी परचेज कर लेना। मतलब 10,000 से नीचे आपको AMOLED नहीं, आपको IPS LCD मिलेगी। उस IPS LCD में ना आप HD+ डिस्प्ले देखना आपको, ठीक है। फुल HD+ भी आपको इस प्राइस रेंज में बहुत कम देखने को मिलेगा, मगर आप HD+ तो कम से कम लेना, HD डिस्प्ले मत लेना, ठीक है। कहने का मतलब समझ गया आप, HD मत लेना, HD+ डिस्प्ले ले लेना। अब आगे बढ़ते हैं कैमरे के बारे में। कैमरे में काफी सारा कंफ्यूजन होता है बंदों को कि यार मैं ऐसा वाला कैमरा लूंगा, मैं आके फोटो लूंगा, जूम इन जूम आउट ऐसी ऐसी काम करूंगा। भाई 10,000 से नीचे के फोन में ना आपको इतने खतरनाक कैमरे नहीं मिलेंगे। आपको पता क्या देखना है, या तो रियर का कैमरा, रियर बोलते पीछे वाले कैमरे को, ठीक है, ये बैक साइड का जो कैमरा होता है ना ये 13 मेगापिक्सल का हो या फिर आपका हो 8 मेगापिक्सल कम से कम, ठीक है। बाकी फ्रंट वाला जो कैमरा होगा वो कम से कम 5 मेगापिक्सल का हो। अब हमें कौन सा 4K वीडियो क्वालिटी में वीडियो शूट करनी है अपनी, नॉर्मल सी फोटो ही तो खींच के भेजनी है व्हाट्सएप पे, या नॉर्मल सी वीडियो बना के भेजनी है। बस यहाँ पर है ना कुछ गेम होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इस प्राइस रेंज में जो कैमरा आपको मिलेगा ना फोन के अंदर, उसमें है ना आप दिन में बहुत अच्छी फोटो निकाल सकते हो। एक महंगे फोन में जो फोटो निकलती है ना उसी के लगभग आपको दिन में फोटो खींचने में मिल जाएगी। अगर लो लाइट में आप फोटो खींचते, मान लीजिए रोशनी कम है उस वक्त फोटो खींचोगे तो इनकी फोटो सही नहीं आएगी, मगर जो महंगे वाला फोन होता है उसकी फोटो सही आती है लो लाइट में। और इसमें क्या होगा आप समझ गए, इसीलिए पता है आपको गेम क्या करना है। मान लीजिए आप किसी की फोटो खींच रहे हैं, आप ना उसके चेहरे पर लाइट का फोकस इतना कर दो कि आपको लो लाइट की कमी महसूस ही ना हो। भाई साहब मैं कह रहा हूँ आपको, 10,000 रुपए तक का आपने फोन ले रखा है ना और आपने तरीके से उसके चेहरे पर लाइट मार के जिसकी फोटो आपको खींचनी है, ऐसा लगेगा भाई साहब महंगे फोन से फोटो खींच रखी है, ठीक है। तो आप कैमरे के बारे में समझ गए, कम से कम 8 मेगापिक्सल हो पीछे का, 13 मेगापिक्सल हो, और फ्रंट का आपका कम से कम 5 मेगापिक्सल। 2 मेगापिक्सल वाला किसी काम का नहीं है, वो कीपैड वाले फोनों में आते हैं 2 मेगापिक्सल, ठीक है। कैमरे के बारे में आप समझ गए। पांचवे नंबर पे आते हैं स्टोरेज। स्टोरेज क्या चीज होती है आपको इजी करके समझाता हूँ। एक होती है EMMC स्टोरेज, एक होती है UFS स्टोरेज। आजकल है ना आपको 10,000 के अंडर में UFS स्टोरेज मिलने लगी है भाई, तो आप UFS स्टोरेज की तरफ जाना क्योंकि वो फास्ट होती है। EMMC स्टोरेज के भी मोबाइल फोन लॉन्च हो रहे हैं, वो स्टोरेज पुरानी हो चुकी है मगर अभी भी कई फोन वाले लॉन्च करते हैं, कई ब्रांड वाले। तो EMMC स्टोरेज अगर लिखा हो, चाहे उसमें 64 GB हो चाहे 128 GB दे रखी हो, मत लेना भाई UFS स्टोरेज लेना। UFS स्टोरेज कितनी लेनी है, 2 पॉइंट से शुरू हो जाती है,
2.1, 2.2, 2.4, 2 के ऊपर कुछ भी हो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। 2 भी हो ना, जब भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। ईएमएमसी से तो अच्छी मिलेगी ये, ठीक है। ईएमएमसी और यूएफएस स्टोरेज दो चीज समझ गए, यूएफएस अच्छी होती है, ईएमएमसी पुरानी हो गई, वो लैग करेगा, हैंग करेगा। 50% आपका फोन भर जाएगा ना, उसके बाद भी हैंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। आज तक वैसे ईएमएमसी स्टोरेज ही चल रही है। अब कमेंट में कुछ समझदार कहेंगे, यार आज तक तो हम ईएमएमसी चलाते आ रहे हैं। तो भाई आपको बताता हूँ, ईएमएमसी चला तो रहे थे, मगर उस वक्त है ना इतनी हैवी एप्लीकेशन नहीं थी। आजकल इतनी हैवी एप्लीकेशन आ गई है कि भाई साहब फोन हैंग होने लग जाता है हमारा। 100 MB की एक एक ऐप आने लगे, गेम्स आप देख लीजिए 400-500 MB के एक एक गेम आने लगे हैं। तो ऐसे वाले गेम पहले थोड़ी होते थे, समझ में आपका। अब आपको मैं बताता हूँ स्टोरेज कितनी लेनी है, रैम कितनी लेनी है। रैम आपको 4 GB तक लेनी है, स्टोरेज आपको 64 GB से कम नहीं लेनी, 64 GB, आप समझ गए होंगे। क्योंकि इससे कम में अगर आप इस वक्त लेते हैं तो भाई बहुत बड़े नुकसान में रहोगे। देखिए दुकान वाला है ना, आपको ये कहकर फंसा देता है कभी कभी, मान लीजिए किसी फोन में 4 GB की रैम दे रखी है, 32 GB स्टोरेज दे रखी है, दुकान वाला कहेगा भाई वो 10,000 रुपए में क्या लोगे यार तुम, ये 32 GB जो दे रखी है टेंशन को ले रहे हो, एक मेमोरी कार्ड अलग से दे देता हूँ तुम्हें मैं। भाई जो एक्सटर्नल मेमोरी हो जाती है ना, मेमोरी कार्ड अलग से लगाओगे तो उसे एक्सटर्नल मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड उसमें लगाओगे तो उसके अंदर वो फंक्शनैलिटी नहीं होगी जो एक ऑन बोर्ड इंटरनल स्टोरेज में होती है, ठीक है। वो ताकत उसके अंदर नहीं होगी, वो हैंग करेगा बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर आप समझ गए, 64 GB से कम की मत लेना, उससे ऊपर ही ले लेना। 64 के बाद 128 आ जाएगा, 256 आ जाएगा। अभी है ना आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपको अंडर 10,000 है ना 128, 256 GB ये मिलने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि कंपनियां कंपटीशन में आ जाएंगी अंडर 10,000, क्योंकि ज्यादातर मोबाइल फोन अंडर 10,000 ही बिक रहे हैं हिंदुस्तान में। तो आपको स्टोरेज कितनी लेनी है, 8 GB रैम हो और स्टोरेज हो 64 GB से ज्यादा, और रैम आपको कम नहीं लेनी। भाई पहले के फोनों में 2-2 GB रैम हुआ करती थी, 1-1 GB रैम होती थी, मगर फोन मस्त चलते थे, एप्लीकेशन भी अच्छी चलती थी। मगर वही बात फिर से मैं दोहराऊं, सही नहीं है। कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अभी हैवी एप्लीकेशन आ रखी है मार्केट में, उनको चलाने के लिए, उनको रन करने के लिए ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है। तो भाई 4 GB रैम कम से कम रखना, उससे कम रैम का मोबाइल फोन मत लेना, वरना हैंग करेगा, लैग करेगा। छठे नंबर पे आता है हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट और स्टॉक एंड्रॉइड। देखिए स्टॉक एंड्रॉइड में आपको बताऊं, कोई भी कंपनी है ना स्टॉक एंड्रॉइड तो नहीं देती, वो कुछ ना कुछ अपने फोन में कमाई वाली ऐप डाल के जरूर देंगी। क्योंकि जो एप्स आप देखते हो ना स्क्रीन पे, जो आपको एप्स दिखाई देती हैं, ये सारी ऐप ब्रांड की नहीं होती, ये एक तरह से एड दिखाई जा रही है आपको अलग अलग कंपनियों की। जो एड्स होते हैं कभी कभी, वो एप्स आपने देखी होंगी, या फिर मीशो, फ्लिपकार्ट, आपने नया फोन लिया उस फोन में क्यों आ रही है, क्योंकि ये उनके स्पॉन्सर होते हैं, ठीक है। इन फोन ये फोन वाले पैसा कमाते हैं कि हम पहले से ऑलरेडी प्रिंशोल ये वाली आपकी ऐप अपने फोन में डाल देंगे, जितने बंदे अपडेट करेंगे हर अपडेट पर हमें पैसा चाहिए। तो ये इस तरीके की ऐप डाल के देते हैं, इसलिए स्टॉक एंड्रॉइड नाम की तो कोई चीज होती नहीं, सब में ही आजकल ऐप आती है। और 10,000 से नीचे जो भी फोन खरीदोगे उसमें ऐड तो आएगी आएगी भाई साहब। रेडमी का फोन भाई साहब दुखी हो रखे भाई, कस्टमर मेरे पास दिन में है ना 4-5 बंदे आ जाते हैं, भाई साहब इसकी ऐड बंद कर दो, इसकी ऐड बंद करो, रेडमी के फोन में आ रही इतनी ज्यादातर दिक्कत। बाकी सैमसंग का फोन अगर लेते हो 10 से नीचे तो उसमें आपको ऐड देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। और अच्छा दोस्तों, अब लास्ट और सातवीं टिप्स, ठीक है। आपको अपना बैक कवर जरूर देख लेना फोन का, प्लास्टिक का है या ग्लास का। ग्लास का बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ग्लास का एक बार ले लिया आपने तो वो टूटेगा महीने भर के अंदर, टूटते ही आपके फोन की गारंटी खत्म। फिर चाहे ब्रांड वाला आपको कहता हूं भाई साहब 2 साल की गारंटी है, कोई गारंटी नहीं उसकी, वो ग्लास टूट गया ना तो खत्म है फिर आपका फोन। तो आप क्या करोगे, प्लास्टिक वाला बैक कवर लेना, प्लास्टिक बैक कवर जिस फोन में लगा हो ना वो वाला मोबाइल फोन खरीदना, ठीक है। और ग्लास वाला भाई मैं आपको बताऊं, मैं तो रिपेयर करता हूं भाई, एक बार टूट जाता है ना उसके बाद उसे चेंज करा भी लो वो मजा नहीं रहता फोन के अंदर, वो ग्लास फिर आपका हर 15-20 दिन में टूटेगा, क्योंकि वो मजबूती वाला ग्लास मार्केट में मिलेगा नहीं, मार्केट में मिलता भाई सस्ते ग्लास। तो एक बार कंपनी के फोन में जो साथ लग के आती है ना चीज, वो चीज दोबारा मिलना नामुमकिन होती है मार्केट में। चलिए ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और आज का एक सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना आपके मोबाइल फोन में कौन सा प्रोसेसर है और आप जो फोन चला रहे हो वो कितने प्राइस का है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।